वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली. आज है दिवाली तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है तो हमारी बन रही है रंगोली. ये देखिए हमारी रंगोली बन रही है. ये मैंने बनाई है इधर. ये भी अधूरी पड़ी हुई क्योंकि कलर खत्म हो गए. यहाँ बैठी है मनीषा. मनीषा बना रही है. मनीषा की रंगोली दिखाती हूँ मैं. ये देखिए अभी जब कलर आएंगे तब उसको कंप्लीट किया जाएगा. दोनों की अधूरी अधूरी रंगोली बनी हुई है. तो अभी रंगोली का काम तो अधूरा ही रहेगा. तो मैं जस्ट अभी नहा कर आती हूँ फिर आप लोगों से बात करते. तो अभी ना डस्टिंग क्लीनिंग सारा कुछ हो गया है. बस नहाने जाना है और जो कि बची हुई रंगोली को बाद में कंप्लीट किया जाएगा. तो चलिए पहले नहा लेते हैं. और अभी पता सुबह का टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं. अभी तक नहाया नहीं है. तो चलिए नहा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलेंगे फिर बात करेंगे. तो यहाँ पर ना अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं इनको बोल रही थी मुझे चौकी उठानी है, भगवान जी को बिठाना है. तो ये मेरी ना थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे चौकी उठाने के लिए. तो बस यहाँ पे मुझे पूजा की तैयारियाँ करनी थी और खाना भी बनाना था. तो मैं साथ के साथ पूजा का भी सामान बना रही हूँ और खाने में का भी सामान बना रही हूँ. तो जो भी बर्तन निकले हुए थे तो वो मनीषा ने धो दिए हैं और मैं यहाँ पर तब तक खाना बना लेती हूँ. तो यहाँ पर मैंने हलवा बनने रख दिया और एक साइड ने मूँगफली सेकने रख दी है क्योंकि मुझे मूंगफली की बनानी है बर्फ़ी. तो बस ये भी हो गया. उसके बाद मैंने यहाँ पे ना पुलाव बनने रख दिए हैं. पुलाव बन जाएंगे और एक साइड मैंने चाशनी रख दी है. तो बस ये मेरा कुछ इस तरीके से ही हो गया. तो मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है क्योंकि भाई फेस्टिवल में तो बहुत सारा काम रहता है तो रेसिपी शेयर करने का वो नहीं रह पाता है. तो बस मेरा खाना इसको कुछ इस तरीके से ही बनाया हुआ था. और यहाँ पे मैंने चावल की खीर बनाई हुई है. तो आधे चावल ना मैंने अच्छे से क्रश करके डाले हुए थे और आधे ना खड़े चावल डाले हुए थे. तो मैंने इनको ना पहले से ही गलने रखे हुए थे तो 2-3 घंटे अच्छे से गल गए थे. फिर उसके बाद मैंने उनकी खीर बनाई थी. तो सच्ची गला के अगर इनकी खीर बनाओ ना तो बहुत टेस्टी खीर बनती है, एकदम रबड़ी रबड़ीदार. तो बस यहाँ पे खीर भी बनती रहेगी और मैंने सब्जी को भी छौंक लगा दिया तो सब्जी भी बनती रहेगी. तब तक यहाँ पे मैं भगवान जी को बैठाने के लिए आसन लगा देती हूँ क्योंकि वहाँ मंदिर पे फिर खड़े पूजा नहीं बनती है ना. तो वहाँ पे मेरे किचन में पट्टी पे रखे हुए हैं भगवान जी तो मुझे नीचे बैठ के करना पड़ता है. तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर दिया. जो जो मेरा बन गया था मैंने सारा निकाल दिया. जो क्या सारा ही बन गया था, मुझे अठवाई बनानी थी तो मैंने कहा वो मनीषा बना लेगी. मनीषा रेडी हो रही थी तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने की. जो भी सामान था तो मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं और मुझे जितना पता था तो मैंने कर लिया है. अब मम्मी पापा रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि ऐसे करना ऐसे करना, और जितना तो मैंने कर लिया था. तो बस हमारी पूजा की तैयारियां हो गई हैं. अभी करेंगे हम लोग पूजा. थोड़ी देर से पहले रेडी हो जाएंगे फिर उसके बाद पूजा करेंगे. वेरी गुड इवनिंग. लाइट जल रही है तो आप लोग समझ ही गए होंगे आज क्या. आज तो दिवाली है तो आप लोगों को दिवाली का ब्लॉग देखने को मिलेगा. तो आप लोगों ने देख लिया मेरा खाना पीने सब बन गया है. पूजा का भी सामान लग गया है और मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है. ये देखिए पीछे भी लाइट जल रही है. और तो बस सारी हो गई है, हमारा सारा तैयारियाँ हो गई हैं. बस मुझे रेडी होना है तो मैं सबसे पहले रेडी. और आज ना मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी. खैर मैं दिवाली के दिन तो वैसे भी साड़ी पहनती हूँ. तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ फिर आप लोगों से मिलूँगी. और अभी तो मेरा फेस तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि किचन में तो हो ही जाता है कितना भी करो. तो चलिए पहले रेडी हो जाते फिर आप लोगों को. तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या पहनने वाली हूँ. और रूम को इग्नोर करना क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए देखिए क्या मैसी पड़ा हुआ है. सब लोग रेडी हुए हैं तो रूम बहुत ज़्यादा गंदा है. और मैं ना ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ ब्लू कलर की, ये देखिए. और अभी पहनूंगी तो आप लोगों को दिख ही जाएगा. तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया है. तो चलिए रेडी हो जाते हैं पहले फिर आप लोगों से मिलेंगे. तो यहाँ पे ना पूजा हमारी हो गई है. और ना पता क्या है, इनको ना हम हर साल पूजा करते हैं और इनको ना हमेशा बताना पड़ता है कि पूजा कैसे करनी है क्या करना है. बस इनको बताते जा रहे थे और ये करते जा रहे थे. वैसे भी ये वाली पूजा तो जेंट्स लोग ही करते हैं दिवाली की पूजा. तो
तो बस यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है और बस आरती वगैरह कर ली है। बस अभी हम लोग दिए लगाएंगे और पता है क्या होगा, सबसे बाद में ना हम लोगों ने फिर झाड़ू की पूजा की क्योंकि भूल गए थे पूजा करना। तो बस और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की रुद्रांश की ब्लॉगिंग चल रही है, छोटे छोटे हाथ दिख रहे होंगे तो कैमरा उसने पकड़ के रखा हुआ था तो कैमरा हिल भी रहा है। और यहाँ पे हम लोगों की रंगोली भी दिख रही होगी और ये हमारा घर का दरवाज़ा जो आप लोगों को सुंदर सा दिख रहा होगा, डेकोरेट किया हुआ था थोड़ा सा फूल वगैरह से। तो बस हमारी दिवाली तो कुछ इस तरीके की रही है। और यहाँ पे देखिए रुद्रांश क्या कर रहा है, बोलता दिए मुझे चाहिए हाथ में। तो बस यहाँ पे बस इसके बाद हमने ना झाड़ू की पूजा की हुई है तो रुद्रांश भी मेरी हेल्प करवा रहा है, मैं भी वही करूँगा जो मम्मा आप करोगी। तो ये देखिए चाचू के बाबू छोटा है तो यहाँ पे पैर छुवाई और टीका लगाई हो गई है। अभी आती है फोटो सेशन की बारी, तो फोटो सेशन रह गया है तो यहाँ पे ट्राईपॉड में कैमरे को फंसा दिया है तो उससे फोटो क्लिक हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए रुद्रांश भी फुल मजे कर रहा है। तो बस आज का वीडियो हमारा यही था, आई होप आप लोगों को पसंद आए वीडियो। अगर पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया, अगर आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और आगे आप लोगों को रुद्रांश के बर्थडे का ब्लॉग मिलेगा तो उसको देखना ना भूलिए और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार देना उस वीडियो के लिए। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।